एक दिया आपने लगाया, वो दिया में हवा लगती है, तो आप क्या करते हो उस दिए को, उस पर एक कांच की, जम के बोलो जरा, हंडी रख देते हो। कांच की हंडी काहे के लिए रखी कि दिए आप बुझे नहीं, बोलो सही है कि गलत है? दिया बुझे नहीं इसलिए कांच की हंडी रख देते हो। कोई तुमसे कहे क्या जरूरत है कथा में जाकर बैठने की, कोई तुमसे कहे टीवी पर कथा आ रही है क्या करोगे वहां इतनी दूर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाने की, कोई तुमसे कहे क्या जरूरत है शंकर जी के मंदिर जाने की, उसको कह देना दिया बुझे नहीं इसलिए उसे हंडी में रखा जाता है। और हम भी भोलेनाथ के वो दिए हैं, इस संसार में बुझ ना जाए इसलिए कथा की हंडी में जाकर बैठ जाते हैं। ये कथा की हंडी है, इस हंडी के अंदर, इस पंडाल में, इस कथा के आनंद में, इस शिव मंदिर के अंदर, शिवालय में, देवालय में हम जाकर जब बैठते हैं तो हम काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, इन सबसे बच जाते हैं। ये वो हंडी है जिसके अंदर हम बैठे हैं।